all your friends taking the 9th class beginner statement. उसका अगले चैप्टर में आएगा चाहे मॉड्यूल्स इसका पार्ट नंबर 13। तो मैं इसके पिछले में जो पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो मॉल कॉन्सेप्ट होता है उसके जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है इससे संबंधित इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी दिए मैंने आपको बताए थे। अगर उस फॉर्मूले का आप अच्छी तरह से आप यूज करते हो तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हो। इसी से यार इसके साथ आगे मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल बताता हूँ। जैसे आपके सबसे अगला जो क्वेश्चन है अगला नंबर सेकेंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स calculate the number of moles of the following यानी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पॉलिंग यानी आपको जो भी आपके सामने दे रखा है उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है 52 ग्राम ऑफ एजी 52 ग्राम ऑफ एजी यानी एजी को 52 ग्राम का नंबर मोल्स कैलकुलेट करना है। नंबर सेकंड 23 atoms of helium, 23 atoms of helium। इसके बाद में क्या करना है आपको नंबर ऑफ होल्स को कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ होल्स निकालने के फर्स्ट है तो देखिए आपको करना क्या है नंबर ऑफ होल्स यानी एन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। दिया क्या है आपका स्मॉल एम यानी इसमें 52 ग्राम यानी गिविंग मास दे रखा है। क्या दे रखा है गिविंग मास दे रखा है। आपको मालूम है एच ई का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है कितना होता है 4 ग्राम। क्या होता है 4 ग्राम उसका मोलर मास है किसका हीलियम का। अब देखिए निकालना है आपके पास एक फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल ए ये नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास और उसके बाद है मोलर मास। इस फॉर्मूले का आप यूज करो तो आसानी से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए आपके एम कितना है 12 रखा है मोलर मास कितना है 4 रखा है इसको डिवाइड करेंगे तो एन इक्वल कितना होगा 3 नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स कितना हो गया नंबर ऑफ मोल्स कितना है 52 और जब इसको डिवाइड करेंगे कितना का 13 कितना का 13 मोल्स। यानी बिल्कुल बहुत ही आसान है ये आपके एन को एम अपॉन स्मॉल एम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको मालूम है एम के आपको नंबर ऑफ होल्स कैलकुलेट करना है एम यानी एम की वैल्यू यानी गिवन मास आपका कितना है 52 ग्राम दे रखा है उसके बाद मोलर मास ऑफ हीलियम आप जानते हैं मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है 4 ग्राम होता है। अब देखिए एन को एम अपॉन एम यानी 52 आपका गिवन मास है आपका मोलर मास 4 है इसे डिवाइड करेंगे तो एन इक्वल टू कितना 13 आ गया है यानी जो हीलियम के लिए को आपका जो नंबर ऑफ होल्स है वो कितना है 13। इसी तरह आप देखिए सेकंड टाइम में सेकंड जो आपका क्वेश्चन है फुल सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर देख सकते हैं इसमें भी आपका मोलर मास कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स यानी 12.004 2024 नंबर क्या देखा है एटम्स ऑफ हीलियम यानी कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है कैपिटल एन 12.044 × 10³ ये क्या है कैपिटल एन। अब उसके बाद क्या करना है आपको क्या करना है आपको नंबर ऑफ होल्स कैलकुलेट करना है लेकिन आपको मालूम है कि एक आपके पास फॉर्मूला है यानी एन इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन एन ए एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल कितना लागू का धर्म है कितना होता है 6.023 × 10³ कितना होता है ये इसको टू टू मानने कोई दिक्कत नहीं है इससे वही है या टू थ्री कर सकते हैं टू टू कर सकते हैं बराबर है। अब देखिए कह सकते हैं कि यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर 6.023 है या टू थ्री कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए एन जोड़ के एन अपॉन एन ए रखा है आपको निकालना है नंबर ऑफ होल कैलकुलेट करने हैं तो आप हमारे एन की वैल्यू स्मॉल एन कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है 12.044 × 10³ और इधर आपको 6.022 × 10³ अब देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा ये आपको 2 बार डिवाइड होगा 10 × 2 यानी नंबर ऑफ होल्स
number of moles in 12.004 into 10 to the 23 atoms for helium के अंदर number of moles कितना है और number of moles कितना है 2 कितना 2 तो इस तरह से किसी भी नंबर को आप आसानी से कर सकते हैं चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद आपको एक अगला क्वेश्चन करना है ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग हटा देते हैं इसको सेकंड क्या है
सेकंड देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड में भी आपको क्या करना है, सेकंड यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें भी आपको क्या निकालना है, हर पार्टिकल्स यानी कैपिटल एल यू एल आपको कैलकुलेट कर दी, गिवन क्या है 1 ग्राम, यानी स्मॉल एल क्या है 1 ग्राम, गिवन मास कितना है 1 ग्राम, ओ टू मॉलिक्यूल्स यानी ओ टू मॉलिक्यूल्स के लिए आपको क्या करना है मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो आपको मालूम है ऑक्सीजन एटम के लिए मोलर मास होता है वो कितना होता है, कितना होता है 60, लेकिन ओ टू मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा 32, एंड जो कैपिटल एल मॉलिक्यूल के लिए 32 ग्राम। अब देखिए बात है इसी से, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्मॉल एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, और एन इज इक्वल टू स्मॉल एम कितना ये दे रखा है और यहाँ पर कितना है 32, इससे डिवाइड करेंगे इसको तो कितना होगा 4, तो 1/4 वोल्ट स्मॉल एम की वैल्यू आपको पहले कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसको निकालना है कैपिटल एम की वैल्यू निकालेंगे, आपको मालूम है फॉर्मूला होते हैं एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, एन ए निकालेंगे कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम टू एन ए, और एन इज इक्वल टू कितना 1/4 अपॉन एन ए आपको मालूम 6.023 इंटू 10^23। अब देखिए इसको इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए कितनी वैल्यू आएगी 1.51 वो डिवाइड करने पर सी वैल्यू इंटू 10^23 10^23 मॉलिक्यूल्स क्या होगा 10^23 मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है एटम्स, तो एटम भी रखा है एटम तो होगा, और ये आपको मॉलिक्यूल्स भी रखा है तो ये मॉलिक्यूल्स हो गया क्लियर। तो ये तो अपने सेकेंड यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का सवाल है, नंबर पार्टिकल्स कितना है, नंबर पार्टिकल्स यानी नंबर मॉलिक्यूल्स कितना है, एन इक्वल टू 1.51 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। चलिए उसके बाद हम इसी के थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, यानी 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कैपिटल एम की वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैपिटल वे निकालना है आपको, और दे रखा क्या है स्मॉल एन इक्वल टू कितना 0.1 कितना स्मॉल एन 0.1 दे रखा है। अब देखिए आपको सीधे सीधे फॉर्मूला वही है, एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन ए, एन आपको माना है चार वर्ग का नंबर होता है, वो एन का कैपिटल एन का एन इक्वल टू स्मॉल एन टू एन ए कैपिटल एन इक्वल टू यानी एन स्मॉल एन कितना 0.1, अब वो नंबर 6.023 इंटू 10^23। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6.023 इंटू 10^22 क्या है एटम्स, 10^22 क्या है एटम्स, किसमें है 6.01 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितना होगा 6.023 10^20 एटम्स आए जाएंगे यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए जाएंगे। तो आप लोगों ने जाना है कि आखिर किस तरह से इस प्रकार के मोल कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्लियर किया जाता है। चलिए अगर आप लोग चाहें तो और भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसी तरह के क्वेश्चन आपको और भी लिखेंगे दिए जाते हैं जिसको आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक फोन है आपको एक बार फिर रिपीट करके समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन ले रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उनका अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कैपिटल एम की वैल्यू कैलकुलेट कर रही है। देखा है पहले सबसे पहले 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स यानी 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स में आपको कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले बात करें कैपिटल एम इज इक्वल क्वेश्चन मार्क है यानी आपको कैलकुलेट करना है स्मॉल एम यानी गिवन मास, स्मॉल एम इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 46 ग्राम है, एम यानी सोडियम का जो मोलर मास होता है वो कितना है 23 ग्राम होता है कितना 23। अब देखिए इसी से निकालेंगे कि आपके पास फॉर्मूला होता है n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, स्मॉल n इक्वल टू 4 n के भी स्मॉल m कितना चले गया 46 और कैपिटल m 23 इसको डिवाइड करेंगे n इक्वल टू 2 यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना आपके पास 2 है। उसके बाद आपको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपके पास फॉर्मूला है n इक्वल टू कैपिटल n अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है n आपको निकालना है कैपिटल n इक्वल टू n इक्वल टू n अपॉन n इनटू a, n आपके पास कितना है n नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है एन होता है आलू का नंबर जिसकी वैल्यू पहले से होती है जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10^23 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.046
into 10 to the 23 atoms. इसमें निकलेंगे 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स के अंदर इतना आपको एटम्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद है नंबर सेकंड की बात करके सेकंड यानी एक ग्राम ऑफ अवेलेबल मॉलिक्यूल्स में आपको कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। तो देखिए एन आपको कैलकुलेट करना है, एन यानी इसको गिवन मास लेता है एक ग्राम रखता है, कितने का मोलर मास हो टू मॉलिक्यूल के लिए मोलर मास निकालेंगे आपको मानने में ऑक्सीजन एटम। जैसे मैं बताऊँ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 16 होता है, कितना 16 और वो टू भी कितना होगा 32, डबल हो गया 32 का 16 प्लस 16 इक्वल टू 32। क्लियर? चलिए उसके बाद हमें और देखते हैं आगे देखिए क्या है। और उसके बाद पूछा है नहीं ये रखता है एम इक्वल टू 32 एन इक्वल एम अमाउंट कैपिटल एम और आपको मान लिया कि एम स्मॉल एम कितना आया था 48 दे रखा है कैपिटल एम आपका 32 है इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 आ गया एन की वैल्यू क्या है 1.4। आप देखिए फॉर्मूला आपका एन ए कैपिटल एन के लिए फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू एन कैपिटल एन अमाउंट एन ए एन कैपिटल एन आपको कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू एन इंटू एन ए आपके पास एन की वैल्यू होती है 1.4 एन ए ईयर या वो नंबर देता हूँ 6.023 × 10⁻³ इसलिए इसको 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1.51 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स आ गए यानी आपको 8 ग्राम मॉलिक्यूल्स में आए। आपका कितना नंबर मॉलिक्यूल्स हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 1.51 × 10⁻³। क्लियर? चलिए अगला है यहाँ पर देख सकते हैं 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है। कह सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि एन इक्वल टू आपको कैलकुलेट करना है एन यानी नंबर ऑफ मोल्स से आपका एन इक्वल टू 0.1 आपका दे रखा है पहले तो एन इक्वल टू कैपिटल एन एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन ए तो एन एन आपको निकालना है एन इक्वल टू एन इनटू एन ए स्मॉल एन की जेड वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 आपको दे रखा है 6.023 × 10⁻³ होता है जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6.023 × 10⁻²² एटम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से मेडिकल को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी मेडिकल बताए जाएंगे।